आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं जिनका यूज कर करके हम लोग डिटरमिनेंट को हाईली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो, अभी तक हम लोग डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करना सीख चुके हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो अगर मान लो किसी डिटरमिनेंट को किसी रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करना है, तो उस रो के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर लो। सिमिलरली, अगर किसी डिटरमिनेंट को किसी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करना चाहते हो, तो उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो उसे डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लो डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो उसे क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली, डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो उससे क्या मिलेगा? उस डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो मान लो कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इसका डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए इज ऑप्टेंड बाई समेशन ए के जे इंटू सी के जे, वेयर जे इक्वल टू वन टू एन। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम लोग किसी पर्टिकुलर रो के, यहाँ पे kth रो के, कौन सा रो? kth रो के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ और फिर इसको ऐड कर दे रहे हैं, तो इस चीज़ से क्या मिलेगा? डिटरमिनेंट ए मिलेगा। इस चीज़ को चाहो तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, समेशन ए आई के इंटू सी आई के, और आई का वैल्यू वन से एन तक होना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी डिटरमिनेंट के kth कॉलम के सारे एलिमेंट्स को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर ऐड कर दें, तो उससे डिटरमिनेंट का वैल्यू मिलेगा। तो ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अलग से लिख दिया। एंड दिस इज प्रॉपर्टी वन। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी टू। मान लो कि डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो लो और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो, यू विल गेट जीरो। अगर डिटरमिनेंट के किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो के को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, देन वी विल गेट जीरो। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हुआ कि मान लो इस तरह का रहे, समेशन ए के जे इंटू सी एल जे, वे जे इक्वल टू वन टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एलिमेंट्स ले रहे हैं kth रो के, लेकिन कोफैक्टर्स ले रहे हैं lth रो के, और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इस तरह से हो जाए, समेशन ए आई के इंटू सी आई एल, वेयर आई इक्वल टू वन टू एन, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा? जीरो होगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग kth कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हैं और उसको lth कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और फिर ऐड कर दे रहे हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। चलो एक एग्जांपल देते हैं ताकि ये दोनों प्रॉपर्टी क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो कि एक डिटरमिनेंट है और ऑर्डर टू का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, वन टू
थ्री माइनस वन, ठीक है। अगर इसका कोफैक्टर्स निकाला जाए तो सी वन वन होगा, मास वन का पावर वन प्लस वन इंटू एम वन वन, तो मास वन का पावर वन प्लस वन इज वन, और एम वन वन का मतलब हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट तो क्या मिलेगा माइनस वन। फिर सी वन टू, तो सी वन टू होगा मास वन का पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, तो मास वन का पावर ऑड माइनस वन, और एम वन टू मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट तो थ्री इंटू मास वन माइनस थ्री। फिर सी टू वन, सी टू वन होगा मास वन का पावर टू प्लस वन इंटू एम टू वन, तो मास वन का पावर टू प्लस वन इज माइनस वन, और एम टू वन मतलब कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट तो बचा टू, तो टू इंटू माइनस वन माइनस टू। फिर सी टू टू, सी टू टू होगा मास वन का पावर टू प्लस टू इंटू एम टू टू, ठीक है। तो मास वन का पावर इवन इज प्लस वन, एम टू टू मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो तो जो बच जा रहा है उसका डिटर्मिनेंट, तो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा वन, तो मिला वन, ठीक है। अब ऐसा करो कि ए वन वन इंटू सी वन वन लिख दो और ए वन टू इंटू सी वन टू लिख दो। ए वन वन ए वन टू क्या है तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, और सी वन वन सी वन टू क्या है तो क्रोस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट का सम क्या होगा देखा जाए, तो ए वन वन इज वन, सी वन वन इज माइनस वन, ए वन टू इज टू और सी वन टू इज माइनस थ्री, तो माइनस वन माइनस सिक्स क्या मिलेगा माइनस सेवन, एंड दिस इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट तो तुम तुरंत बता सकते हो, वन इंटू माइनस वन माइनस वन और थ्री इंटू टू सिक्स और बीच में एक माइनस मतलब कि माइनस सेवन, तो डिटर्मिनेंट ए माइनस सेवन है, और अगर इसको फर्स्ट रो को अलॉन्ग एक्सपैंड करें तब भी माइनस सेवन ही आएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि एलिमेंट्स फर्स्ट रो का ले लिए और कोफैक्टर्स ले लिए सेकेंड रो का, एलिमेंट्स ले रहे हैं फर्स्ट रो का लेकिन कोफैक्टर्स ले रहे हैं सेकेंड रो का, देखा जाए क्या मिलेगा। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स होगा ए वन वन ए वन टू, और सेकेंड रो का कोफैक्टर्स होगा सी टू वन सी टू टू, ठीक है। ए वन वन इज वन, सी टू वन इज माइनस टू प्लस ए वन टू इज टू, सी टू टू इज वन, तो टू इंटू माइनस वन, तो वन इंटू माइनस टू प्लस टू इंटू वन प्लस टू माइनस टू प्लस टू क्या मिला जीरो। तो ये दोनों वेरीफाई हो गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट्स को क्रोस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो उससे डिटर्मिनेंट मिलेगा। सिमिलरली किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को क्रोस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए तो उससे क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट मिलेगा। यहाँ को फैक्टर्स और एलिमेंट एक ही रो का है या एक ही कॉलम का है, लेकिन एलिमेंट्स किसी पर्टिकुलर रो का लो और को फैक्टर्स किसी दूसरे रो का ले लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो इससे जीरो मिलेगा। सिमिलरली एलिमेंट्स किसी कॉलम का ले लो और को फैक्टर्स किसी दूसरे कॉलम का ले लो और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो हमें क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि कोई पर्टिकुलर रो ले लें और कोई पर्टिकुलर कॉलम ले लें, पर्टिकुलर रो से सारा एलिमेंट्स ले रहे हैं और पर्टिकुलर कॉलम से सारा कोफैक्टर्स ले रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो इससे ना तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा और ना ही जीरो मिलेगा। बाई चांस जीरो मिल सकता है या बाई चांस डिटर्मिनेंट मिल सकता है, लेकिन इन जनरल उससे ना तो डिटर्मिनेंट मिलेगा और ना ही जीरो मिलेगा। वंस अगेन, अगर कोई पर्टिकुलर रो का एलिमेंट्स लो और किसी कॉलम का कोफैक्टर्स लो और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो उससे इन जनरल ना तो डिटर्मिनेंट मिलेगा और ना ही जीरो मिलेगा, ठीक है।
चलो ठीक है, प्रॉपर्टी वन प्रॉपर्टी टू डिस्कशन हो गया, अब प्रॉपर्टी थ्री। प्रॉपर्टी थ्री में ऐसा है कि मान लो किसी पर्टिकुलर रो में सारा एलिमेंट्स जीरो हो जाए, या किसी पर्टिकुलर कॉलम में सारा एलिमेंट्स जीरो हो जाए, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम इज जीरो, देन अगर मान लो डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ए, तो इट्स वैल्यू इज जीरो। इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और इन ए कॉलम इज जीरो, देन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू जीरो। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि डिटरमिनेंट ए इज जीरो 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 वन जीरो माइनस वन टू टू वन थ्री फोर वन टू थ्री फोर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर दें तो होगा ए वन वन इंटू सी वन वन प्लस ए वन टू इंटू सी वन टू प्लस ए वन थ्री इंटू सी वन थ्री प्लस ए वन फोर इंटू सी वन फोर, और ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर इज जीरो। तो जीरो इंटू कुछ भी क्या होगा, जीरो। तो अल्टीमेटली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। तो वेरीफाई हो गया कि अगर किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए, देन इट्स डिटरमिनेंट इज जीरो, ठीक है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, मान लो कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इज इट्स ट्रांसपोज, देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये भी हुआ कि किसी डिटरमिनेंट के सारे रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, या सारे कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी फोर कुछ इस तरह से हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर डिटरमिनेंट के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो जो डिटरमिनेंट मिलेगा उसका वैल्यू और ओरिजिनल डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम होगा। एक एग्जांपल लिया जाए, मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर टू और उसका डिटरमिनेंट है डिटरमिनेंट ए, कुछ इस तरह दिया हुआ है वन टू थ्री फोर, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसका डिटरमिनेंट होगा फोर माइनस सिक्स, जो कि मिलेगा माइनस टू। और अगर मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लें तो उसका डिटरमिनेंट होगा डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, तो वन इंटू फोर फोर और टू इंटू थ्री सिक्स, तो फोर माइनस सिक्स विच इज वंस अगेन माइनस टू। तो हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो दिस इज फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऐसा है कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट इज जीरो। वंस अगेन, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, देन डिटरमिनेंट इज जीरो, ठीक है। प्रॉपर्टी फाइव ये है कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ
determinant A are identical, then determinant A is equal to 0. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा. मान लो कुछ इस तरह से दिया रहे कि 1 0 1 1 2 3 1 2 3. ठीक है, यहाँ पे देखो सेकेंड रो एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल. ठीक है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी इसका वैल्यू 0 होना चाहिए. लेकिन हम एक्सपैंड करके देख लेते हैं. चलो फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर लिए जाए, तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर एक्सपैंड करें तो साइन होना चाहिए प्लस माइनस प्लस. तो पहले प्लस वन लो, और अगर प्लस वन ले लिए तो 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, तो 6 − 6 हुआ. फिर माइनस जीरो लो, जीरो लेने के बाद में तो जीरो ही हो जाएगा. फिर प्लस वन लो, प्लस वन लिए तो 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, तो 2 − 2, 6 − 6 जीरो हुआ. 0 × कुछ भी 0, इधर जीरो ही है. 2 − 2 जीरो हुआ, 0 × कुछ भी 0, तो अल्टीमेटली क्या मिला? 0. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए देन डिटर्मिनेंट इज 0. ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी सिक्स में मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए के किसी पर्टिकुलर रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा के इंटू डिटर्मिनेंट ए. फिर से, अगर डिटर्मिनेंट ए के किसी पर्टिकुलर रो के या किसी पर्टिकुलर कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा के टाइम्स डिटर्मिनेंट ए. तो इसको लिख देते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं. इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर के देन न्यू डिटर्मिनेंट बिकम्स के इंटू डिटर्मिनेंट ए. अगर पहले डिटर्मिनेंट ए था तो अब हो गया के इंटू डिटर्मिनेंट ए. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो कि एक डिटर्मिनेंट है 2 1 1 3, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा? तो 6 − 1 मतलब कि 5. अब ऐसा करो कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के या किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई कर लो. जैसे मान लो कि सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, देखा जाए क्या मिलेगा. तो अगर सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 और 9 मिलेगा, और इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो 2 × 9 = 18 माइनस 3 × 1 = 3, तो 18 − 3 कितना होगा? 15. एंड ऑब्वियसली दिस इज 3 × 5, और 5 है डिटर्मिनेंट ए, तो दिस इज 3 × डिटर्मिनेंट ए. ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रो के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई किए थे तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिला वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का कितना टाइम्स मिला? 3 times मिला. ठीक है, तो क्लियर हो गया. अब अगर ऐसा हो जाए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है
और उसके सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट क्या वैल्यू हो जाएगा, के का पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसको एक बार लिख देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर्टी सेवन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि के इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू के का पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तुम लोग जानते हो, अगर मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है और उसको एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जितना भी एलिमेंट होगा सब के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, तो अगर ऑर्डर एन है तो उसमें एन रोज और एन कॉलम्स होगा, और अगर मैट्रिक्स को हम के से मल्टीप्लाई किए तो ईच रो के सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दिए। तो फर्स्ट रो भी के से मल्टीप्लाई हुआ, सेकेंड रो भी के से मल्टीप्लाई हुआ, थर्ड रो भी के से मल्टीप्लाई हुआ और nth रो भी के से मल्टीप्लाई हुआ। तो पहले से पता है कि अगर कोई एक रो के से मल्टीप्लाई हो तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू हो जाता है के इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पे सारा का सारा रो के से मल्टीप्लाई हो गया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो के इंटू के इंटू के इंटू के इंटू कितना टाइम्स, एन टाइम्स इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो के इंटू एन टाइम्स कितना मिलेगा, के का पावर एन और इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई कर दें और उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो दिस इक्वल टू के का पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि यही डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट है 2 1 1 3 तो मिला 5। अब अगर ले लो 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट तो 2 टाइम्स मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो 4 2 2 6। और अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो कितना मिलेगा, तो 4 6 24 और 2 2 4 24 माइनस 4 20। 20 को लिख सकते हो 4 इंटू 5, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 5। 5 इज डिटर्मिनेंट ए इंटू 2 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 इज आवर के और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2, मतलब n है 2। ठीक है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो गया 2 स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 का एक कंसिक्वेंस ये होगा कि हम लोग डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि इस तरह का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 1 3 4 2 6 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड रो को ऑब्जर्व करो, सेकेंड रो में 2 कॉमन निकाला जा सकता है। अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो डिटर्मिनेंट मिलेगा 2 1 3 2 1 3 1 0 1। ठीक है, ये तो क्लियर होना चाहिए यूजिंग प्रॉपर्टी 6। देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पे तो 2 को अगर अंदर लेके चले जाओ तो किसी रो या किसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे 2 को अगर अंदर लेके चले गए तो इस रो के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाएगा 4 2 6। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम लोग किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड रो से 2 कॉमन निकालनी है। अब एक चीज़ ध्यान दो कि रो वन एंड रो टू आर आइडेंटिकल। और अगर 2 रो आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 0। 2 इंटू 0 क्यों लिखें,
क्योंकि आर वन एंड आर टू आर आइडेंटिकल. आर वन मतलब हुआ फर्स्ट रो और आर टू मतलब हुआ सेकेंड रो. तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर आइडेंटिकल, देयर फोर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा जीरो और इंटू टू, तो ओवरऑल क्या मिल गया जीरो. ठीक है. और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी बनता है कि किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रोज प्रोपोर्शनल हो जाए, किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रोज प्रोपोर्शनल हो जाए. प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आता है. यहाँ देखो कैसे प्रोपोर्शनल है, 2/4 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 3/6. तो अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो रो प्रोपोर्शनल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा. सिमिलरली किसी डिटर्मिनेंट का कोई दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो जाए देन डिटर्मिनेंट इज जीरो. ठीक है. दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी 8. ठीक है. तो प्रॉपर्टी 8, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए आर प्रोपोर्शनल देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो. ठीक है. और ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है. चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. मान लो ऐसा दे दें, ए बी सी एक्स वाई जेड, ए स्क्वेयर ए बी ए सी. ठीक है. और बोला कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ. तो यहां पे ध्यान दो, फर्स्ट कॉलम में ए बी सी है और थर्ड कॉलम में ए स्क्वायर ए बी और ए सी है. तो अगर फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ए इंटू ए ए स्क्वायर, बी इंटू ए ए बी, सी इंटू ए ए सी. मतलब कि कॉलम वन एंड कॉलम थ्री आर प्रोपोर्शनल. तो अगर दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो गया तो उसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, जीरो. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सी वन एंड सी थ्री आर प्रोपोर्शनल. मतलब कि एलिमेंट्स ऑफ सी वन एंड सी थ्री आर प्रोपोर्शनल. तो कोई दो रोज या दो कॉलम्स के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हो जाए देन डिटर्मिनेंट इज जीरो. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मान लो कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, ए प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा, सी प्लस गामा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर एस. तो इस डिटर्मिनेंट को हम लोग दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. कैसे देखा जाए, इसको हम चाहें तो ऐसा लिखते हैं, इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, ए एक्स वाई, बी जेड डब्ल्यू, सी आर एस प्लस अल्फा बीटा गामा, एक्स जेड आर वाई डब्ल्यू एस. ठीक है. इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस अल्फा बीटा जीरो, एक्स जेड आर वाई डब्ल्यू एस प्लस. यहाँ ए प्लस अल्फा आ चुका है, यहाँ पे भी ए प्लस अल्फा है तो जीरो बचा. यहाँ बीटा लिखे हैं लेकिन यहाँ पे बी प्लस बीटा है तो यहाँ बी बचा. यहाँ जीरो है लेकिन यहाँ पे सी प्लस गामा है तो सी प्लस गामा. बाकी इन दोनों को वैसे लिख दो तो एक्स
वाई जेड डब्ल्यू आर एस, ठीक है। तो हम लोग एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी 9। एक एग्जांपल सपोज कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी, ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर, ए वाई प्लस ए बी, ए जेड प्लस ए सी। तो इस तरह का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको एक्सपैंड करना है यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। तो पहला डिटर्मिनेंट है कुछ इस तरीके से कि इसमें ax, ay, az कंसीडर किए, ठीक है। और दूसरा डिटर्मिनेंट कुछ इस तरीके से है इसमें ए स्क्वायर ए बी ए सी कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी 9 का यूज किए। अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम पे कंसंट्रेट करो, दे आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगर कॉलम 3 से एक कॉमन निकाल लो तो एक्स वाई जेड मिलेगा, और यहाँ पे भी एक्स वाई जेड है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। फिर प्लस इसमें सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम पे फोकस करो तो दे आर प्रोपोर्शनल। अगर थर्ड कॉलम से ए कॉमन निकाल लें तो मिलेगा ए बी सी, और इधर ए बी सी है, तो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम आर प्रोपोर्शनल, तो इसका भी डिटर्मिनेंट क्या मिला, 0, और 0 प्लस 0 इच 0, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं यूजिंग प्रॉपर्टी 9, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पहले उसका स्टेटमेंट फिर एक्सप्लेन करेंगे। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज मल्टीप्लाइड बाय द सेम कॉन्स्टेंट के एंड देन एडेड टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो और कॉलम देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट ए है और उसका कोई भी रो कंसिडर कर लो, जैसे फर्स्ट रो, फर्स्ट रो को हम आर वन से लिख सकते हैं, तो फर्स्ट रो इज आर वन, आर वन के सारे एलिमेंट को किसी दूसरे रो, जैसे मान लो दूसरा रो है आर टू, के सारे एलिमेंट्स को एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आर वन के साथ ऐड कर लो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, तो प्रॉपर्टी 9, प्रॉपर्टी 9 से पता है कि किसी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि आर वन प्लस के आर टू है, तो आर वन प्लस के आर टू को हम लोग दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जब दो डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो आर टू और के आर टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और अगर प्रोपोर्शनल हो गया तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो आर वन आर टू आर थ्री डॉट 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 वाला डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर k इंटू आर टू कर दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट कुछ नहीं हो रहा है। सिमिलरली तुम लोग किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के हेल्प से चेंज कर सकते हो, जैसे मान लो कॉलम 2 है, तो कॉलम 2 को तुम लोग कॉलम 1 कॉलम 3 के हेल्प से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लो कॉलम 2 को हम लोग कॉलम 3 को k से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर लिए, और तुम चाहो तो इसको वंस अगेन कॉलम वन को एल से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऐड कर लो, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम चाहो तो आर वन को
डायरेक्ट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री लिख सकते हो। यहाँ हम लोग वन से मल्टीप्लाई किए हैं, यहाँ हम लोग क्या किए हैं, वन से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी रो को किसी दूसरे रो के हेल्प से चेंज कर सकते हैं, सिमिलरली किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के हेल्प से चेंज कर सकते हैं। तो एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो डिटरमिनेंट ए है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन, ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ठीक है, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और बोला कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालो। तो हम लोग किसी भी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट के साथ किसी दूसरे पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम ऐसा करें कि आर वन के साथ आर टू को वन से मल्टीप्लाई कर दिए और आर थ्री को वन से मल्टीप्लाई कर दिए और तीनों को ऐड कर दिए, मतलब कि आर वन को आर वन आर टू और आर थ्री के साथ ऐड कर दिए, तो आर वन चेंज हो गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री में, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा, डिटरमिनेंट वही रहेगा। लेकिन अगर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पे भी मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे मिलेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन प्लस ओमेगा, और ये दोनों चेंज नहीं हुआ है तो ये दोनों वही रहेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो। तो फर्स्ट रो में ईच एलिमेंट जीरो हो गया, बाकी जो है रहने दो, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, फर्स्ट रो में सारा एलिमेंट जीरो है तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। यह एक चीज ध्यान दो कि अगर इन तीनों एलिमेंट्स को ऐड कर दिया जाए तो ए माइनस ए जीरो, माइनस बी बी जीरो, माइनस सी सी जीरो, मतलब इन तीनों को ऐड करने के बाद जीरो मिलेगा। सिमिलरली इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो जीरो मिलेगा, सिमिलरली इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि आर वन को लिख देंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट रो को सेकेंड रो और थर्ड रो के साथ ऐड कर दे रहे हैं तो क्या मिलेगा, जीरो जीरो जीरो। इधर मिलेगा बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। सिर्फ फर्स्ट रो चेंज किए हैं, बाकी को चेंज नहीं किए, ठीक है। अब अगर फर्स्ट रो में सारा एलिमेंट जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट क्या मिलेगा, जीरो, ठीक है। तो हाईली सिंप्लीफाइड हो गया। तो अभी इतनी प्रॉपर्टी करके छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको घर में रिवाइज करो और हो सके तो NCERT से सारे एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है।